आदमी जो फीस के बारे में जो बोलते हैं वीडियो देख के, फीस खाली पढ़ाने के लिए हम यहाँ बैठते खाते रहना खाना सब उसमें इंक्लूड है हमारा, उसमें हमारा नॉलेज भी साथ में है, तो फीस तो लगेगा हमको। आपके खुद से खाना पड़ता, होटल में पड़ता था, दिन का 1,30,000 रुपये जाता था, फीस अलग से होता है। हमारे यहाँ रहना खाना सब फ्री है, इसमें सब फीस में इंक्लूड होता है, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं। आप फीस ज़्यादा सोचते तो आप सोचो कि आप बैठने को मिल रहा है, आपको खाने को मिल रहा है, सुबह शाम मिल रहा है, आपको फुल क्लास का टाइम मिल रहा है, सारे लोग पूरा आपके पीछे लगे रहती है। ये फीस 50,000 मेरे लिए तो कुछ, मैं सोचता हूँ कुछ नहीं है। आप यहाँ 1.5 लाख भी दिएगा तो आपको नॉलेज के लिए, वो नॉलेज आपका जो मिलता है वो 1.5 लाख 2 लाख से भी कम है। और अच्छा, 2 से 3 बार स्वाइप कर दिया, 2 से 3 बार स्वाइप कर दिया तो ये फेंटरी वो लग नहीं सर, मैं ऑलरेडी पहले से काम करता था। बाकी जो स्केल है, जो एम डी सर ने बताया कि सीपीयू बिठाते कैसे, अगर मैं 10 मोबाइल पहले घर दुकान पे काम करता तो 5 बनते 5 वेस्ट हो जाते थे। एक्चुअली वो वेस्ट नहीं होते थे, मेरा लगाने का तरीका गलत था, मैं पहले से काम करता था। बाकी जो अभी लगाने का तरीका है, किस तरह करना है, वो सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और जो यहाँ पे थेरी क्लास है, ये बस थेरी नहीं है, इधर में प्रैक्टिकल भी है। जो हमारे इधर मुंबई में काम होता है, तो वहाँ का मुंबई में कल्याण से बाहर जाता था, मैं क्यों दूँ, मैं तो सब खुद ही करूंगा। अभी उल्टा बाहर का काम मैं खुद ही करूंगा। आप इवन आप डेट डायग्नोस भी नहीं कर पाते थे आपने? नहीं सर, नहीं करता था सर, मैं खुद वापस दे दे रहे थे। हिट मार तो नहीं हुआ तो दे दो वापस, हुआ तो अपना पैसा। हिट तो नहीं मारना नहीं होगा ना सर, कोई हिट मारो। अभी डेट डायग्नोस का प्रॉपर तरीका पता चला कि नहीं सर? बिल्कुल पता चला। ये क्या कहना चाहोगे आज की क्लास की? बताओ सर, आज की क्लास तो बहुत जबरदस्त रही सर, इसके पहले की भी क्लास थी, इससे भी औसम थी, और आज की तो अच्छा। तुम्हारा नेटवर्क जो है, तुम बता दे कि कंपोनेंट का देखने का भी नजरिया बदला, फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट से सर, मेरा पूरा मोबाइल देखने का नजरिया बदल गया। मेरे सामने मोबाइल पार्ट टू पार्ट पूरे खुल गए। अभी दुकान बंद करके आए हो सर? तो क्यों आए दुकान बंद करके? ऑनलाइन क्यों नहीं सीख लिया? ऑनलाइन में कुछ नहीं है सर, ऑनलाइन में कुछ नहीं है। सर कैमरा घुमाओ, मुझे बताओ कौन कौन ये मानता है ऑनलाइन में कुछ नहीं है? ऑनलाइन में कुछ नहीं है सर। ठीक है, बताओ कि मुंबई से एसर टेलीकॉम क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो कि यहाँ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है सर, और बहुत नॉलेजेबल रहती है। नॉलेजेबल है हाँ सर। और मुझे बताओ विद प्रैक्टिकल है कि नहीं है? सर 100% सर प्रैक्टिकल। मुझे बताइए कि बोर्ड देखने का नजरिया कैसा? सर एकदम चेंज हो गया, पहले तो कुछ करने का सर, क्योंकि इतने छोटे छोटे पेपर कैसे यूज करते हैं सर, आते गए सर, लेकिन अभी तो समझ में आने लगा सर। आने लगे सेक्शन किस किस को समझ में आया बताइए? यहाँ पर दिखाइए पक्का। एक सेट में किया कि बहुत सारे सेट में किया? देखो यहाँ पर देखिए, ये इनके सेट हैं, इनमें से हमने सॉर्टिंग वाले सेट बस नहीं किए हैं, और यहाँ पर मोर देन हमने 20-30 सेट पे तो हमने डेट डायग्नोस किया है। इनके पास कॉपी में केस स्टडी भी है, हर एक की केस स्टडी यहाँ पर दिखाइए, एक एक कॉपी दिखा दो। डेट डायग्नोस करेगा ना? चलो दो तीन चीज पूछता हूँ, कौन कौन यहाँ पर DC to DC IC चेक कर सकता है? पावर IC, LDO सप्लाई, बक सप्लाई, और ये चेक कर सकता है कि CPU ओके है या नहीं है? तो ये भी हमें पता चलेगा कैसे, और हम ये EMMs UFI में सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले इनसे पूछेंगे, मैं सबसे पहले थोड़ा सा इनको डिटेलिंग भी करते हैं, और यहाँ पर मैं इनसे एक बार पूछूंगा भी, पर मैं पूछने से पहले क्योंकि वीडियो मैं इनसे एक बार और जानना चाहता हूँ। जैसे पहले दिन जब मैं आया था, जब मैंने इनके साथ में एक काउंसलिंग क्लास अटेंड की थी, उस काउंसलिंग क्लास में मैंने इनसे बोला था तीसरे दिन में कौन कौन पावर लगा देगा, तो सबने एक एडवांस में हाथ उठाया था, ये सोच के कि पता नहीं मैं लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, पर एक इनके विश्वास पे उठाते हैं, है ना। जब मैंने आपसे बोला था कि 31 तारीख को कौन कौन सीपीयू लगाएगा, आप भले ही आप में से किसी ने स्टेंसिल हाथ में नहीं पकड़ी थी, फिर भी आपने हाथ उठाया था। अब मैं आपसे फिर से एक बार जानना चाहता हूँ कि कौन कौन ब्लैक पेस्टेड में ये बताओ कि बवाल मचाना चाहता है, कोई आईसी ना हो ब्लैक पेस्टेड की लगे, ऐसा लगे हलवा है, बताओ। चल डे नहीं है, बट आप जिस दिन मिलेंगे तो उस दिन आप पता रात में एक सवाल पूछेंगे कि सर पूछ पूछ के थक जाते हैं, मतलब सर इतनी बार पूछते हैं कि बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है कि नहीं बोलो। और मुझे नहीं लगता है कि सर इनका कोई सेट छोड़ेंगे, और फिर प्रैक्टिकली इन्हीं से करवाएंगे, और जो भी CPU MMC पे काम होगा वो क्या तो उसको डांट भी पड़ रही है कि नहीं? बिल्कुल सर पड़ती है डांट, और इस चीज़ से बुरा तो नहीं मान रहा सर? बुरा क्यों मानेंगे, और आए किस लिए यहाँ पे? आए किसके लिए हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इनको डांट कर घर चले जाएंगे तो हमारा को क्या करना, हम इनको डांटे? हमारा तो हम तो और लाइटली क्लास देकर जा सकते हैं ना यहाँ से। सो मुझे बताओ कि CPU MMC आपने CPU और पावर आपने लाइव लगा चुके हैं? सर लगा चुके हैं। और आज डेट का सेंसर है सर आपके पास? सर ये रीडिंग से सब पता चल जाता है। हाँ DSC की सुबेरे आए थे, और अब के में सुबेरे और अब के में बताओ कितना? सर कल मैं डर रहा था कि डेट की क्लास है, पता नहीं कैसे समझ में आएगा, आएगा या नहीं आएगा। हाँ जी बड़ा लग रहा था, मगर अब सब आसान सब एकदम। हर क्लास में आने पर डर लगता था, नेटवर्क से पहले लगता था नेटवर्क कैसे समझेंगे, इतना बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क में क्या लगा, कैसा लगा? सर सिंपल कर दिया बिल्कुल, है ना। करेंगे हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर,
इज्जत है मेरी जुर्रत। हाँ माई YouTube फैमिली एंड हाई माई फेसबुक के प्यारे लोगों, मैं हूँ देवदत्त अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम और इसे टेलीकॉम की टीम। मेरे साथ में 28 में और मेरे साथ में मोहम्मद सर, मोहम्मद साहिर सर हमारे साथ में, जिनकी आवाज़ आप सुनते हैं फेसबुक पर। अगर आप हमें देख रहे हैं ये वीडियो लाइव लाइव देख रहे हैं, दिखाओ ये वीडियो सबसे पहले यहाँ पर लाइव दिखाया जा रहा है फेसबुक पर, और अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक जाके फॉलो कीजिए। लगभग 100,000 लोग फॉलो कर रहे हैं हमको, लगभग 99,000 समथिंग लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं हमको, लगभग 100,000 के आसपास। और फेसबुक और जो यूट्यूब में है वो उसमें भी हमारे 200,000 के ऊपर सब्सक्राइबर है, और एक मेरे जो पर्सनल चैनल है उसमें भी कुछ 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर है। सो जा सकते हैं, दो वेबसाइट है www.acertelecom.in, www.acertelecom.mobilerepairing.in, जो दोनों वेबसाइट आप जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से एंड्रॉयड ऐप पर भी जो एक ऐप है वो एसर टेलीकॉम से आप सर्च कर सकते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर तो काफ़ी ऐप मैंने बना के रखे हुए हैं। सो मेरे साथ में मेरी एसर टेलीकॉम की टीम, जिसमें है दीपक सर, जिसमें है दुर्गेश सर, और मेरे साथ में स्टूडेंट। एक बार जोरदार ताली एक बार टीचर के लिए। अच्छा अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो ताली क्यों बजवाई है ना, अच्छा आप सोच रहे हैं ना, तो चलो आपको हम सोल्यूशन देते हैं कि हमने ताली क्यों बजवाई। मैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट को दिखाइए, सो मुझे बताओ कि कौन कौन यहाँ पर पावर सीपीयू लाइव निकाल के बैठा हुआ है यहाँ पर, विदाउट ब्लैक पेस्टेड, अभी विदाउट पेस्टेड वाला सब बैठे लाइव, कोई भी ऐसा तो नहीं है ना कि जिसने नहीं निकाला है, ठीक है। फिर अगर आपने देखा कि हमने इनसे क्यों ताली बजवाई, चलो फिर से देखते हैं कि मुझे बताओ हार्डवेयर में अब तक की जो क्लासेस आपको मिली है, लाइट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो, किस किस को यहाँ पर समझ में आई है, किस किस को पैसा वसूल लगी यहाँ पर, देखिए। और अभी इसका रिविजन भी चलेगा, यहाँ पर एक रिविजन नहीं, दो रिविजन नहीं, बहुत बार हर दिन रिविजन करते हैं लाइव टाइम के लिए जुड़े हुए हैं। चलो एक बार आप पूछना चाहते हैं कि क्यों हमने इनसे ताली बजवाई, चलो फिर से पूछते हैं। मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी यूएसपी ये होती है कि जब फ़ोन कोई डेड आता है तो हमको पता नहीं चलता है कि अब हम करें क्या। मैंने आज बताया डेड सेक्शन था, आज मैंने 1% का बैटरी का वोल्टेज चेक किया क्या, जबकि लोग शुरुआत करते इसी से है। मुझे बताओ डेड सेक्शन में चेक करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है क्या, आज डेड सेक्शन किस किस को समझ में आया बताइए, यहाँ पर दिखाइए, पक्का एक सेट में किया कि बहुत सारे सेट में किया। देखो यहाँ पर देखिए, ये इनके सेट हैं, इनमें से हमने सॉर्टिंग वाले सेट बस नहीं किए हैं, और यहाँ पर मोर देन हमने 20-30 सेट में तो हमने डेट डायग्नोस किया है। इनके पास कॉपी में केस स्टडी भी है, हर एक की केस स्टडी यहाँ पर दिखाइए, एक एक कॉपी दिखा दो केस स्टडी, ये देखो यहाँ पर, ये देखो हर एक की केस स्टडी है, ये आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं एक को दिखाना है। तो डेड सेक्शन प्रॉब्ली क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, डेड सेक्शन में होता है कि कौन से आईसी पे काम करें। जनरली लोग जो नॉलेज नहीं रखते हैं वो हीटिंग मार देते हैं, वो सोचते हैं कि कचरा ही होगा, साफ कर लेते हैं। सो ये सब करने के बाद अब क्या, मुझे बताओ यहाँ पर क्या सेट चालू होते हैं क्या, अच्छा मुझे बताइए कि अभी कोई हीटिंग तो नहीं मारेगा ना यहाँ पर, प्रॉपरली डेट डायग्नोस करेगा ना। चलो दो तीन चीज बोलता हूँ, कौन कौन यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी चेक कर सकता है, पावर आईसी, एलडीओ सप्लाई, बक सप्लाई, और ये चेक कर सकता है कि सीपीयू ओके है या नहीं है। तो ये भी हमें पता चलेगा कैसे, और हम ये यूएफआई में सीखेंगे। सो चलो सबसे पहले इनसे पूछेंगे, मैं सबसे पहले अपनी टीम से पूछूंगा। मेरे साथ में से एक बार सबसे पहले दीपक सर के जोरदार ताली बजाइए। दीपक सर मुझे बताओ स्टूडेंट का कैसा रहा, आप सुबह से शाम तक रहते हैं, मैं तो शाम को 6 बजे चले जाता हूँ, यहाँ तो आप रात तक रहते हैं इनके साथ में, इन बच्चों ने रात भर कैसी प्रैक्टिस करते हैं, क्या इनके डाउट रहते हैं, क्लियर होते हैं नहीं होते हैं, या फिर घर पे जाके ये क्या करते हैं हॉस्टल में जाके, थोड़ा बताइए इनके बारे में और कैसे रही इस बार इनकी क्लास आपके साथ। जी सर बिल्कुल, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, मतलब जैसा चाहिए वैसा इन्होंने मेहनत किया है, सुबह से लेकर जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग साथ में इनके रहे हैं वैसे ही ये भी साथ में साथ दिए हैं। तो ओवरऑल सारे चीज़ों को देखते हुए मैं यही बताना चाहूँगा कि ये लोग बहुत मेहनती हैं, और एक चीज़ इनको ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे मेहनत आप लोग यहाँ किए हैं सुबह से लेकर रात तक, ऐसा ही मेहनत आपको आपको अपने दुकान पे भी करना है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से जाते समय टूल्स भी परचेज करें, जाते ही टूल परचेज करें, कोई भी टूल्स को छोड़े ना, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, नहीं तो अगर आपके पास प्रोफेशनली टूल नहीं होगा तो आप अच्छा काम करने से चूक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ में है दुर्गेश सर, एक बार जोरदार ताली बजाइए सर के लिए यार। अच्छा एक बार देखाओ, कल मीडिया टेक की क्लास थी, एक क्लास मुझे बताओ कैसी लगी आप लोगों को, पक्का सर मुझे बताओ अभी आने वाली क्लास में आप क्या देने वाले हैं।
सबसे पहली बात कि इनका जो भी पढ़ाने का शेड्यूल है हमारा, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी सॉफ्टवेयर, कभी भी हार्डवेयर, कभी भी एमएमसी क्लास पढ़ा देते। हमारा एक शेड्यूल है कि पहले हम हार्डवेयर पढ़ाते, क्योंकि अगर हार्डवेयर का नॉलेज नहीं होगा तो एमएमसी भी आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको कॉम्प्लेंट का नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर एमएमसी, लास्ट में फुल डायग्नोस के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी इनका हार्डवेयर कंप्लीट हुआ है, सॉफ्टवेयर की क्लास इनकी चालू हो चुकी है। तो सॉफ्टवेयर क्लास हमेशा सबसे पहली और मस्ट बात यह है कि आप इनको यहाँ पे अपडेट क्लास दी जाती है। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब में नॉलेज डाला गया है, यूट्यूब वाला, यूट्यूब का नॉलेज है क्या यहाँ पे? मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आपको यूट्यूब में बस करके दिखा जाए, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिया जा रहा है। Yes, चाहे वो फ्लैशिंग हो, yes, चाहे वो अनलॉकिंग हो, yes, विद डाटा लॉस और विदाउट डाटा लॉस, yes, सारा कुछ प्रैक्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे। Yes, और ये कौन करता है? हम लोग करते हैं। कल किसने किया था? कल किसने किया? मैंने किया था सर। आपने किया था? यस सर। तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट से यहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्लास हर एक से माउस पकड़वा करके उनसे कराया जाता है, जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे अभी नया अपडेट आता रहता है, क्वालकॉम में अपडेट आया हुआ है, तो हर हमेशा इनको अपडेट क्लास दी जाती है। अच्छा ये बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन का जो मसला होता है, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन अभी भी है क्या? उसको आप देख करके डायग्नोस कर पाएंगे? तो क्या ऑनलाइन वाले फोन को ऑफलाइन फ्लैशिंग कर सकते हैं? वो आपने भी प्रैक्टिकल किया? Yes, देखा आपने? Yes, तो ऐसा ही आप देख सकते हैं डे बाय डे। इनकी अभी दो दिन की क्लास और बची हुई है। क्या आप सिखाने वाले? अभी इनकी क्वालकॉम आईफोन की फ्लैशिंग, अभी इनको बाईपास, सैमसंग की FRP और कंट्री अनलॉक और यहाँ पे SPD CPU, बहुत सारे कंटेंट अभी इनके बचे हुए विद प्रैक्टिकल। बिल्कुल। और अब मेरे साथ में एबा मोहम्मद सर हैं, और एबा मोहम्मद सर को मैं दिखाऊंगा नहीं, पर मोहम्मद सर की आवाज़ ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए कोहिनूर है और कोहिनूर को देखने के लिए टिकट लगती है। तो मैं यहाँ पर सर, मैं इनसे ये बोलना चाहूँगा स्टूडेंट कि जैसी मेहनत, जितने घंटे मेहनत यहाँ की, कितने घंटे मेहनत करी ईमानदारी से आपने? 12 घंटे मेहनत की है, तो एक घंटा और प्लस करके ईमानदारी से तुमने तुम्हारे जाके और अपनी जगह पे, अपने घर पे, अपनी शॉप पे जाके इतनी ही मेहनत करनी है। ये जब तक इस लाइन में केवल मेहनत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो स्किल चाहिए थी वो एशिया टेलीकॉम ने कूट कूट के दिए, और उनको देने वाले हैं देवरतन अग्रवाल सर। इनसे बढ़िया हार्डवेयर कोई नहीं पढ़ा सकता भाई, मानते हो चीज को? कौन कौन मानता है? इनसे बड़े हार्डवेयर कोई नहीं दे सकता। Yes, चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मोहम्मद सर, मुझे एक बार एक क्लास में थोड़ा सा इनको डिटेलिंग भी करते हैं, और यहाँ पर मैं इनसे एक बार पूछूंगा भी, पर मैं पूछने से पहले, क्योंकि वीडियो मैं इनसे एक बार और जानना चाहता हूँ, जैसे पहले दिन जब मैं आया था, जब मैंने इनके साथ में एक काउंसलिंग क्लास अटेंड की थी, उस काउंसलिंग क्लास में मैंने इनसे बोला था तीसरे दिन में कौन कौन पावर लगा देगा, तो सबने एक एडवांस में हाथ उठाया था, ये सोच के कि पता नहीं मैं लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, पर एक इनके विश्वास पे उठाते हैं, है ना। जब मैंने आपसे बोला था कि 31 तारीख को कौन कौन CPU लगाएगा, आप भले ही आप में से किसी ने स्टेंसिल हाथ में नहीं पकड़ी थी, फिर भी आपने हाथ उठाया था। अब मैं आपसे फिर से एक बार जानना चाहता हूं कि कौन कौन ब्लैक पेस्टेड में, ये बताओ कि बवाल मचाना चाहता है, कोई आईसी ना हो ब्लैक पेस्टेड की लगे, ऐसा लगे हलवा है, बताओ। चलो ठीक है, मुझे बताओ डुअल डेकर कौन कौन करना चाहता है? देखो अन्य बहुतों में से डुअल डेकर भी नहीं पता होगा कि डुअल डेकर होता क्या था। मुझे लगता है कि कुछ फ्रेशर होंगे जिनने शायद डुअल डेकर पहली बार यहाँ आकर देखा था, वो सब यहाँ पे करवाएंगे डुअल डेकर के। जो आपको फ्रेश बोर्ड होगा वो कौन देगा आपको? आप अपने पास से ले रहे हैं क्या? एशिया टेलीकॉम देगा। तो इवन यहाँ पर हम आपको MMC जो हमारे मिलन सर है, एक मिलन सर के लिए जोरदार ताली बैठ एडवांस में। आप मिले नहीं हैं, बट आप जिस दिन मिलेंगे तो उस दिन आप पता रात में एक सवाल पूछेंगे कि सर पूछ पूछ के थक जाते हैं, मतलब सर इतनी बार पूछते हैं कि बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है कि नहीं बोलो। और मुझे नहीं लगता है कि सर इनका कोई सेट छोड़ेंगे, और विद प्रैक्टिकली इन्हीं से करवाएंगे, और जो भी CPU MMC पे काम होगा वो करेंगे, वो हमारी मास्टर लेवल की क्लास पर अटेंड कर रहे हैं। और एक और मिलन सर की तरफ से मैं बता रहा हूँ कि आपको OTP प्रोसेस सिखाई जाएगी डुअल लेकर, और प्लस MMC लगाने कोई भी IC, OTP मतलब वन टाइम प्रोसेस, कोई भी IC लगाने का वन टाइम प्रोसेस क्या होता है, कैसे किस तरीके से एक बार में एक IC को लगा दे, सो वो आपको सर सिखाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर UEFI में सिर्फ कॉमन नॉलेज नहीं देंगे कि UEFI का बेसिक प्रोग्रामिंग बता दिया या UEFI में अनलॉकिंग बता दी, आपको MMC कौन कौन सा, MediaTek, आपको Qualcomm और इनके फोनों की MMC को चेंज करना, विद फाइलों को मॉडिफाई करना सिखाएंगे। ये कौन कौन सीखेगा यहाँ पर बताओ? फाइलों को मॉडिफाई करना,
देखो लोग हमसे आज भी पूछते हैं, सर ये Redmi 8 का फाइल है क्या, सर मेरे को Redmi 7 का फाइल दे दो। मोबाइल पूरा भरा हुआ है इसके अंदर सपोर्ट के लिए कि सर हमको फाइल मिल जाए। फाइल ये बाहर के सब्सक्राइबर वाले स्टूडेंट है, क्या बात नहीं, मैं ना डालूंगा अभी, मैं ना एक कमेंट वाले वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट आ गए हैं तो उसके रिप्लाई के लिए, सो मैं उसमें वहाँ पे दिखा दूंगा। सर मुझे बताओ कि मुंबई से एशिया टेलीकॉम में क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो कि यहाँ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है सर, और बहुत नॉलेजेबल रहती है। हाँ सर, और मुझे बताओ विद प्रैक्टिकल है कि नहीं है? सर 100% सर प्रैक्टिकल। मुझे बताइए कि बोर्ड देखने का नजरिया कैसा? सर एकदम चेंज हो गया, पहले तो कुछ करने का सर क्योंकि इतने छोटे छोटे पेपर कैसे यूज करते हैं सर, आते कैसे, लेकिन अभी तो समझ में आने लगा सर। आने लगे सर। मुझे सर बताओ कि आप यहाँ अपना बैठ रहे हो, टाइम दे रहे हो, दुकान दुकान बंद करके आए हो? यस सर। तो क्यों आया दुकान बंद करके? ऑनलाइन क्यों नहीं सीख लिया बैठकर? नहीं सर ऑनलाइन में कुछ नहीं है सर। ऑनलाइन में कुछ नहीं है? कैमरा घुमाओ। मुझे बताओ कौन कौन ये मानता है ऑनलाइन में कुछ नहीं है? ऑनलाइन में कुछ नहीं है सर। ठीक है, मुझे वीडियो में सर अच्छा मुझे बताइए कि ऑनलाइन में कुछ नहीं, आप यहाँ आए, आपने जितना भी अभी समय दिया वो वैल्यूबल रहा कीजिएगा। बहुत सर बहुत अच्छा, बहुत 100% हुआ। आज डेट सेक्शन तक कैसा लगा सर? बहुत अच्छा था, पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, अभी तो बहुत कुछ हो गया सर, और अभी बहुत कुछ से बहुत कुछ और आगे जाना है। क्योंकि देखो कभी भी कोई भी चीज खत्म नहीं हो रही है, हमेशा आगे बढ़ रही है। और सर से मतलब पढ़िए और बहुत नॉलेज लीजिए सर। टेलीकॉम की टीम छोटी टीम है कि बहुत बड़ी है? सब चीज के लिए अलग अलग सर है और 100% टाइम भी देते हैं सर लोग। और आपने सर बताओ अभी आपने दुर्गे सर का नॉलेज देख लिया, सबका देख लिया, मिलन सर बच्चे हुए हैं, जिस दिन आप देखेंगे उस दिन आप मेरा नाम लेना छोड़ देंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर मेरे को मिलन सर जैसा बनना है। योगी नाम है? मेरा नाम योगी है। योगी नागपुर? नागपुर से। मुझे बताओ योगी किस लेवल पे काम करते थे, यहाँ क्यों आए और क्या सोचने का नजरिया बदला? सर मैं काफी अच्छा काम पहले भी कर लेता था, लेकिन सर मेरे लिए सर टंकी थी, अब लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मेरे लिए कुआ से भी गहरा हो गया सर। जी जी जी। मतलब इतना नॉलेज अभी मुझे मिल गया है। मिल गया, मतलब ये प्रॉफिटेबल वैल्यूएबल रहा कि नहीं रहा? हाँ सर मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा सर, मैं तो पूरा काम मेरा मैं बाहर देता था, मैं क्यों दूँ, मैं तो सब खुद ही करूंगा अभी, उल्टा बाहर का काम मैं खुद ही करूंगा। आप इवन आप डेट डायग्नोस भी नहीं कर पाते थे? आपने? नहीं सर नहीं करता था सर, मैं खुद वापस दे दे रहा था, हिट मार तो नहीं हुआ तो दे दो वापस, हुआ तो अपना पैसा। हिट तो नहीं मारना? नहीं होगा ना सर, कोई हिट मारो। अभी डेट डायग्नोस का प्रॉपर तरीका पता चला कि नहीं? सर बिल्कुल पता चला। ये क्या कहना चाहोगे आज की क्लास के लिए? बताओ सर, आज की क्लास तो बहुत जबरदस्त रही सर, इसके पहले की भी क्लास थी इससे भी औसम थी, और आज की अच्छा तुम्हारा नेटवर्क में तुम बता दे कि कंपोनेंट का देखने का भी नजरिया बदला, फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट से सर मेरा पूरा मोबाइल देखने का नजरिया बदल गया, मेरे सामने मोबाइल पार्ट टू पार्ट पूरे खुल गए अभी। अच्छा पूरे खुल गए। तो क्या कहना चाहोगे योगी सर, दिल से बताओ? योगी ये काफी टैलेंटेड बंदा है, और नहीं मैं सच में सर आपने बनाया सर। हाँ नहीं मैं भी भाप लेता हूँ ना कि कौन कितना सीख रहा है कौन कितना है। मैं सच बताऊँ कि आप काफी नॉलेजेबल हो और काफी कैपेबल हो कोई भी चीज को लेने के लिए, और सही गाइडेंस मिलेगी तो आप बहुत आगे जाओगे, मैं ये भी जानता हूं। सर मुझे अभी तक सर सही गाइडेंस ही नहीं मिली सर। जी जी। नहीं तो सर मैं अभी भी काफी टॉप पे रहता था सर। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम किसी के पास सर सीखने जाते तो सर वो सिखाते नहीं सर, वो अपना काम सिर्फ आपसे करवाते हैं, बाकी सिखाते नहीं। सिखाते क्योंकि इस फील्ड में उनको लगता है कि मेरे पास में 10 स्केल का नॉलेज है, मैंने इनको सब बता दिया तो मेरा ये सिमिलर हो जाएंगे, फिर ये मेरे सर पर बैठ जाएंगे, पर यहाँ पर स्केल का नॉलेज नहीं, ये इस लाइफ में तो इन्फिनिट, मतलब आप कितना भी सीख लो कम है, यहाँ कोई पूरा कभी नहीं हुआ है। yes, sir, क्योंकि अभी नोट 10 प्रो आया, अभी नोट 12 प्रो आएगा, नोट 13 प्रो आएगा, अभी डुअल डेकर आ रहा है, अभी डबल लेयर में पीसीबी आने वाले हैं बहुत जल्द, जैसे आईफोन की लेयर आती है ना डुअल डेकर में, तो उसकी पीसीबी का नॉलेज, अपडेट यूएफएस में क्या है, बहुत से अपडेट आपको लेने हैं। yes, तो उसके लिए मुझे बताओ योगी, इन सब के लिए आप मुझे इन सबको देख कर बताओ कि घर में माँ बाप का और दुकान पे गुरु का होना कितना जरूरी है? सर ये तो हमने सर आप बिल्कुल बहुत नजदीक से आना है सर, सब चीज को मतलब इस बार तो हमने बहुत नजदीक से आना है। मुझे बताओ आप सब लोग कितना जरूरी है गुरु का होना, जरूरी है कि है? क्योंकि अगर मैं दुकान पे बैठा हूँ और कुछ चीज जो मैं फंस रहा हूँ तो मेरे ऊपर एक सर पे हाथ होना जरूरी है, और एक वो बड़ी टीम है आपके लिए बहुत अच्छी बात है, एक जन नहीं है एक पूरी टीम है। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अरफात है, मुंबई कल्याण से हूँ। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। 8 बार सीपीयू निकाल के लगाया इसने, 8 बार, मेरी लाइफ की हिस्ट्री में अब तक कोई स्टूडेंट नहीं निकाला। सर 2 से 3 बार स्वाइप कर दिया था। 2 से 3 बार स्वाइप कर दिया तो ये फेक तो नहीं बोल रहा था? नहीं सर, मैं ऑलरेडी पहले से काम करता था। बाकी जो स्केल है जो एमडी सर ने बताया कि सीपीयू बिठाते कैसे, अगर मैं 10 मोबाइल पहले घर दुकान पे काम करता तो 5 बनते 5 वेस्ट हो जाते थे। एक्चुअली वो वेस्ट नहीं होते थे, मेरा लगाने का तरीका गलत था, मैं पहले से काम करता था। चा, चा। बाकी जो अभी लगाने का तरीका है किस तरह करना है वो सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और जो यहाँ पे थ्योरी क्लास है
ये बस थ्योरी नहीं है, इधर में प्रैक्टिकल भी है जो हमारे इधर मुंबई में काम होता है। तो वहाँ का मुंबई में कल्याण से है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है छोटे छोटे, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि वहाँ पे बस डेस्कटॉप में बताते लिखा के देते कि ये कंपोनेंट इसका मतलब उतना ही बताते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सामने वो ये भी है प्रैक्टिकल बताते पूरा जो यहाँ पे लिखा थे वहाँ करके दिखाते और प्लस फिर जाकर भी करते। हाँ, प्लस वहाँ पे करते भी, वहाँ भी करते, डाउट होते वो क्लियर होते। वो एमडी सर 100 बार पूछो तो ही बताते, और 100 बार की बात नहीं है यहाँ पर जो चीज, क्योंकि एक दिन में खत्म नहीं हो रही है, आगे भी वो दिन होते हैं, रिविजन दिन होते हैं, उसमें भी होता है। हाँ, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हम लोग उस टाइम पे, अगर हमारी और कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग वो भी पूछ लेते सर से। भाई मेरे ये फील्ड ना एक दिन की एक महीने की फील्ड नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मैं एक महीने में बहुत कुछ, आपकी फील्ड लाइफ भर की है। आपको हमारे पास बहुत बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, और अपने डाउट को और क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। कहीं आने में कभी ऐसा तो नहीं करेंगे कि सर मेरे को, क्योंकि अब आपको पूरे 30 दिन नहीं आना, सिर्फ 2 दिन, 1 दिन आना है। हाँ सर, अब जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे, डाउट आएगा तो जरूर बताएंगे। बैकअप क्लास ऑब्वियस है, और उसके लिए तो हमारे ग्रुप है, चैट है, दीपक सर, मिलन सर, हमने पूरा उनको दिया है कि आप टीम व्यूअर में लो स्टूडेंट को, इन लोग के पास पूरा टाइम रहता है, टीम व्यूअर में लेते हैं, हमारे पास पर्सनल चैट आते हैं, मैं उनको आंसर करता हूँ, मेरे मैसेंजर है। सो चलो ठीक है, मुझे बताओ पैसा वसूल की नहीं सर, पूरा वसूल है। अब मुझे बताओ मुंबई कल्याण से कोई आएगा तो सर जरूर आना चाहिए। एक्चुअली जो काम होता है ना डबल डेकर वगैरह जो है, जो अभी जिस तरह पढ़ा रहे कि मैं तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं डबल डेकर आसान से कर ही लूंगा। बिल्कुल, तो वहाँ पे ऐसा है कि हीट मारते चालू हो गया, कस्टमर को दे दिया, 4 दिन बंद हो गया तो रेस्पॉन्स खत्म होता है। लेकिन अब भी जो यहाँ पे जो सीख के जाऊंगा मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके दूंगा कस्टमर को, और हीटिंग वगैरह कुछ नहीं, जो अगर पेस्टेड है तो भी चलेगा, अगर पेस्टेड नहीं है तो भी। अभी आपने पेस्टेड पे काम नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। आप अब यहाँ से 20 तारीख को जब मैं आपसे मिलने आऊंगा 19 तारीख को, तो आपके आपकी शक्ल और बदल जानी है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना है अंदर। सुन लो सर की बात, मैं सच बता रहा हूँ, आप सुन लो, बिल्कुल निश्चिंत होके सो, आपके लिए हम बैठे हुए हैं, और आपको यहाँ से भेजेंगे तो वो कॉन्फिडेंस उस लेवल का कि एक चालू फोन का MMC निकाल के या CPU निकाल के पर फोन का एक भी ट्रैक नहीं ओपन होने देंगे, इतना आपको ब्लैक पेस्टेड कराएंगे, आप थक जाओगे पक्का। हाँ सर, ठीक है ठीक है। मेरे सारे को स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम शहजाद है सर, मैं मेरठ से हूँ। हाँ आओ मेरठ से। यार मेरठ काफ़ी अच्छी जगह है, मेरठ जानसठ, मैं भी वहाँ पे काफ़ी स्टडी आ रहे हैं, और बचपन में मैं भी काफ़ी मेरठ गया था, और अभी हमारा मेरठ से है मिस्टर ZX मलिक। तो ZX मलिक भी आने वाले हैं, और पूरी क्लास को टूल की क्लास में बदलने वाले हैं, और पूरी क्लास को एक लाइव टूल की क्लास देने वाले हैं। हमारा एक थोड़ा सा और चीज बड़ी हो रही है। हाँ। साथ में PCB की स्टूडेंट को बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो PCB वाले जो यहाँ पर ऑनर है वो PCB वाले भी आ रहे हैं, और वो ऑनर इंडिया का सबसे बड़ा डीलर है, उसका नाम है मोहम्मद फुरकान, और वो उसके पास में मतलब लाखों का माल रहता है। शहजाद जी, शहजाद मुझे बताओ कि क्या करते थे और क्यों आना हुआ है? सर अभी तक तो वही डिस्प्ले, टच फोल्डर यही चेंज कर देते। हाँ। और अगर कुछ आता था थोड़ा बहुत हीट किया, काम खत्म। अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा मगर। पक्का? पक्का सर। तो यहाँ आने का क्या तुम्हारा मसला था, उसके पीछे क्या सर था? मैं सोच रहा था एक बार जाके देखता हूँ क्या है, मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था इधर उधर, मगर मैं मन नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया सर? मेरा ऐसे ही थोड़ी झिझक रहती थी, पता नहीं कैसा होगा वहाँ पे जाने के बाद। मैंने दिल्ली विल्ली के बारे में कई बार सर, कोई भी नाम नहीं लेंगे हम, बिल्कुल बोलिए। हाँ सर। अब फिर सर मैंने यहाँ पर यू देखे, वीडियो देखी बहुत सारी। हाँ जी, फिर मेरी MD सर से 2-3 बार बात हुई जी, फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। हाँ जी। और सर अब मैंने आके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, यहाँ पर फैमिली, यहाँ पर अगर आप बात करें बैचमेट कैसे है, मतलब शाम को जब घर जाते हैं, रूम पे जाते हैं, तो फैमिलियर हो जाते हैं यहाँ पर, हो जाते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं, हर स्टूडेंट सीख रहा है कि नहीं सीख रहा? बिल्कुल सर सीख रहे हैं, जब तक एक एक का डाउट क्लियर नहीं होता है, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, जा ही नहीं सकते तब तक। और यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट नहीं सीख, तो उसको डांट भी पड़ रही है कि नहीं? बिल्कुल सर पड़ती है डांट। और इस चीज से बुरा तो नहीं मान रहा सर? बुरा क्यों मानेंगे, और आए किस लिए यहाँ पे? आए किसके लिए हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इनको डांट कर घर चले जाएंगे तो हमारा को क्या करना, हम इनको डांटे? हमारा तो, हम तो और लाइटली क्लास देकर जा सकते हैं ना यहाँ से। सो मुझे बताओ कि CPU MMC आपने, CPU और पावर आपने लाइव लगा चुके? बिल्कुल सर लगा चुके। और आज डेट का सेंसर है सर? ये रीडिंग से सब पता चल जाता है। हाँ, DSC की आए थे, और अबके में सुबेरी और अबके में बताओ कितना सर? कल मैं डर रहा था कि डेट की क्लास है, पता नहीं कैसे समझ में आएगा या नहीं आएगा। हाँ जी, बड़ा लग रहा था, मगर अब सब आसान सब एकदम। अच्छा, हर क्लास में आने पर डर लगता था? नेटवर्क से पहले लगता था, नेटवर्क कैसे समझेंगे, इतना बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क में क्या लगा, कैसा लगा सर? सिंपल कर दिया बिल्कुल, है ना। क्यों, पढ़ाने का तरीका? बिल्कुल, क्योंकि यार मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, मैं सच बताऊँ 5000, ये तो 30 है, 5000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा है मैंने, और इतने, और मैं तो इनको खुद बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में देख कर बता सकता हूँ कि कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। क्योंकि
नॉलेज इतना एक्सपीरियंस में ले चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताओ तुम अपने एक्सपीरियंस से कि मेरठ से कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता। सर पता चल जाएगा उनको सबको जिस दिन डबल डेकर का स्टेटस लगेगा ना। बिल्कुल डबल डेकर का स्टेटस लगेगा 21 तारीख को। 21 तारीख को लाइव क्लासेस होंगी और हिंदुस्तान में लाइव देने का दम से मैं रखता हूँ, एसर टेलीकॉम रखता है पक्का यहाँ पर। मेरे साथ में और स्टूडेंट है, मैं आप लोग का भी लेता हूँ यहाँ पर। मुझे बताओ क्या नाम है? मेरा नाम रहमतुल्ला है, मैं गोवा से आया हूँ। गोवा से हैं और ये असम से हैं, ये दोनों ही बहुत दूर से हैं। मुझे बताओ गोवा से जबलपुर, असम से जबलपुर क्यों? सर वो बस सीखने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग मिली है हमको जी। और हम आपको 2019 से फॉलो कर रहे हैं। 2019 से जी जी। तो अभी मुझे बताओ आपके और अब तक के कितना, अगर मैं तुम्हें अभी बोलूँ कि मार्केट में छोड़ू कि काम करना है तो क्या क्या काम कर सकते हो मार्केट में? सर सब कुछ डे टू डे काम कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे क्लास ब्लैक भी बचे हुए हैं। ब्लैक पेस्टेड और एमएमसी छोड़कर अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर एमएमसी ब्लैक पेस्टेड छोड़ के, तो अगर कोई लाइट ग्राफिक्स या सीपीयू निकालना लगा डेट डायग्नोस कर सकते हैं? डेट डायग्नोस बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या लगा आजकल? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत आसान हो गया। पहले हम लोग पीसीबी देखते थे, इधर देखते थे, पेस्ट मार के हीट मार के कस्टमर को देते थे, चालू हुआ तो ठीक है नहीं तो वापस कर देते थे। तो ऐसा क्यों लगता था कि हीट देने पे चालू हो जाएगा? बस ऐसा लगता था कि चालू हो गया तो ठीक है नहीं तो अभी हीट तो मारने का ही नहीं। उधर हीट को नहीं मारना है, हर वोल्टेज की हर आईसी की लाइन समझे यहाँ पर। यस सर। डाटा सीट बनाए? डाटा सीट बनाए, हर सेक्शन का डाटा सीट, हर मतलब आईसी की। रात भर किसी भी टीचर से पूछते थे कभी कोई किसी चीज के लिए बोलता था क्या? टीचर ने कभी किसी चीज के लिए नहीं मना कि हम प्रैक्टिकल क्लास में 2 बार पूछे, 4 बार पूछे, 10 बार। रिवीजन क्लास हुई कि नहीं हुई? रिवीजन क्लास हुई सर। क्या बोलना चाहेंगे गोवा से नवा कोई? गोवा से बिल्कुल आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लास मिलती है और प्रैक्टिकल क्लास मिलती है, लाइव क्लास प्रैक्टिकल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में असम से है। असम कितनी दूर से आप? कितने किलोमीटर? 19 से 13 किलोमीटर। बहुत दूर है यार। मतलब कितना दिन लगता है तुमको यहाँ से जाने में? 3 दिन। 3 दिन लगता है? मतलब कितने घंटे सफर है टोटल ट्रेन का सफर? 40 घंटे। 40 घंटे का है एक ट्रेन में या दो बदलते हैं? एक ट्रेन में। सो इतनी दूर से आप, इतनी दूर से क्या सोच कर आए, क्या लेकर आए आपके दिमाग में, क्या क्यों नहीं मैं दिल्ली विल्ली चले जाता वहाँ घूम घाम भी लूंगा, पर जबलपुर में क्या घूमूंगा? मेरा कहानी थोड़ा अलग है जी। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट को पता नहीं मैं कौन हूँ क्यों आया, मैं आज यहाँ बोलना चाहता हूँ। मैं इसी लाइन से हूँ नहीं, मैं एकदम फ्रेशर हूँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी बैठा, फिलहाल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, भारतीय वर्कर पर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। क्या बात है यार, क्या कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट यूथ का जनरल सेक्रेटरी बैठा हूँ मैं जी जी जी। और मैं सोशल एक्टिविटीज हूँ। अच्छा, मतलब एक तरह से आप सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर है। तो बताइए फिर। तो मैं एक साल से मैं मैंने मेरे मोबाइल देखते देखते मेरे मोबाइल में आपका वीडियो आ गया, तो मैं वो वीडियो देखते 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 मेरे को भी इंस्पायर हो गया देखने में। और बचपन से मेरा एक शौक था कि इलेक्ट्रॉनिक में कुछ करने का मेरा मन था। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि फ्यूचर में, अभी फ्यूचर क्या इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूचर तो मोबाइल है आज का जमाना है। हम तो लोगों को मोबाइल बनाते हैं लेकिन आदमी को मोबाइल की कितना जरूरत है, उसे कितने प्रकार का काम होता है, फ्यूचर में और भी अपग्रेड होते जाएगा और भी सिस्टम पे और सुविधा भी आगे बढ़ते जाएगा। तो कुछ कुल लाइन में जाना सोच के मैंने सोचा मोबाइल लाइन में जाता हूँ। मैं आने का भी नहीं सोचा, मेरे वहाँ आने के 3 दिन अगर लैंड स्लाइड होकर मेरा स्टेशन जो ट्रेन स्टेशन है जहाँ से मैं चल रहा था वो पूरा पानी ने बहा दिया ट्रेन को भी, उन्होंने सर को वीडियो भी भेजा था। अच्छा, अच्छा, तो आने का कोई रोड बाढ़ आ गई थी, पूरा रोड ब्लॉक था। हाँ। तो मैं जैसे तैसे कर गाड़ी अरेंज करके मैं गुवाहाटी आया पहुंचा, गुवाहाटी से मैं ट्रेन पकड़ के। अच्छा, तो मतलब आप मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे? मौका छोड़ना चाहते, आप चाहते तो आप घर छोड़ सकते, बोल सकते कि भाई आपदा आ गई है, घर वाले भी बोले मत जाओ, है ना, फिर भी आप आए। मैंने ठान लिया था मैं जाना है वहाँ जाके कुछ नॉलेज लेके आना है कि मैं यहाँ आया पहुंचा। तो मुझे बताओ एज अ फ्रेशर, एज अ यूनियन लीडर या एज अ सोशल वर्कर, मुझे बताओ आप मोबाइल में टेक्नीशियन के बीच में बैठे हो, एक इंस्टीट्यूट कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नॉलेज दे रहा है एक फ्रेशर को, कैसा समझ सर ये है? अगर समझने वाला आदमी जो इसको समझेगा, ये इतना डीपली नॉलेज देता है, ये जीरो से लेकर आदमी को जितना इसका है पूरा पूरा उन लोग नॉलेज देता है। और हम कितना ले पाएंगे वो हमारा ऊपर, हम कितना मेहनत कर पाएंगे वो हमारे ऊपर। अच्छा, आप एक फ्रेशर थे, आपने तो मैंने बोला मोबाइल छुआ भी नहीं होगा, छुआ भी नहीं, तो आपने सीपीयू और पावर निकाल के लगा के चलाया था? मैं तो पहचानता भी नहीं था, ये निकाल के लगा दिया मैंने, सीपीयू और पावर निकाल के लगा दिया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। प्रैक्टिस करूंगा तो क्योंकि मैं पूरा फ्रेशर हूँ, मेरे को ये टूल चलाना भी नहीं आता, उसका प्रैक्टिस करूँ मैं 3 महीने 6 महीने बाद में मेरे को लगता कि बिल्कुल प्रैक्टिस आपको बिल्कुल मतलब अपने कमरे के अंदर सेटअप बनाना है ना। और मैं बताऊँ लोगों को सालों लग जाते हैं एक आईसी को निकाल कर रिवॉल्व करने में, लगाने तो बहुत दूर की बात है और वो अपनी स्टेंसिल फुका देते हैं अपना और मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि
काम ही छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, और ये सोचते हैं कि कोई भी इंडिया में ये काम हमको सिखा नहीं सकता, ये सोच बना लेते हैं। पर हमने आपसे लगवाया, हमने कोई ऐसा छोरा कोई एक सर, मोहम्मद सर ने इतनी सरलता से बताया, एक ही दिन में आधे घंटे का आंसर मेरे को नॉलेज आ गया कैसा करना क्या करना। आप मुझे बताओ, आप इतने बड़े मतलब सोशल वर्कर हो, तो मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे आप वहाँ के लोगों को जो भी आपको देख रहे हैं। मेरे वहाँ के लोग नोटिस को, मैं नोटिस से बिलोंग करता हूँ, नोटिस से कोई भी आना चाहता है बेझिझक यहाँ आ सकता है। अपना नंबर बोलो आप, 8399-040926। आपको अगर इनको कोई कॉल करना चाहें कि आप इनको डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, उनको पूछिए कि क्या, इनसे डायरेक्ट बात कीजिए, और यह जाने के बाद में इनके घर पे मैं बोलता हूँ कुरियर भी कर सकते हैं मोबाइल, और ये इसके लिए तो हम बैठे हुए हैं खैर इनके लिए। पूछिए क्वेश्चन पूछना चाहूँगा लक्ष्मण, आप सोशल वर्कर भी हो है ना, समाज सेवी भी हो, ये बताओ कि ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ कि ये वाकई में अगर ये फीस लेता है तो उस टाइप का नॉलेज देता है कि नहीं देता है, कितनी मेहनत करता है एक स्टूडेंट के प्रति। जो फीस के बारे में जो बोलते हैं वीडियो देख के, फीस खाली पढ़ाने के लिए हम यहाँ बैठते खाते रहना खाना सब उसमें इंक्लूड है हमारा, उसमें हमारा नॉलेज भी साथ में है, तो फीस तो लगेगा हमको, आगे खुद से खाना पड़ता, होटल में पड़ता था, दिन का 1,000-30,000 रुपये जाता था, फीस अलग से होता है, हमारे यहाँ रहना खाना सब फ्री है, इसमें सब फीस में इंक्लूड होता है, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं। आप फीस ज़्यादा सोचते तो आप सोचो कि आप बैठने को मिल रहा है, आपको खाने को मिल रहा है, सुबह शाम मिल रहा है, आपको फुल क्लास को टाइम मिल रहा है, सारे लोग पूरा आपके पीछे लगे रहती है, ये फीस 50,000-55,000 मेरे लिए तो कुछ, मैं सोचता हूँ कुछ नहीं है। आप यहाँ में 1.5 लाख भी देगा तो आपको नॉलेज के लिए, वो नॉलेज आपका जो मिलता है वो 1.5-2 लाख से भी कम है। और अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरा देखा, आई होप कि आपको कैसा लगा होगा, मुझे बताएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा। एक बार मैं क्लास को दिखाना चाहता हूँ, तो क्लास फाइनली आज का दिन कैसा गया बताइए, तो एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार आपकी करण मेहनत के लिए। देखिए तो इसी तरह से सीखते रहना है कि नहीं रहना है, और आगे बढ़ते रहना है, और आगे डेली इनको लाइव देखेगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू वेरी मच हमें सब्सक्राइब और लाइव करने के लिए। थैंक यू मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।